चलिए शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अनोखी कहानी, मत्स्य कन्या या मरमेड की रहस्यमय घटनाएं हमेशा से हम सबको आकर्षित करता है। कुछ लोग तो एक कदम आगे बढ़ के ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने अपने आंखों से मरमेड को देखा है। ये बात सच है या झूठ, इस पे तो घंटों विवाद चल सकता है, पर हम यहाँ विवादों पे वक्त जाया नहीं करने वाले। हम तो बढ़ेंगे अपनी कहानी की ओर। ये कहानी जुड़ी हुई है एक महान गाथा से। हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाभारत की। सफर की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहाँ चेदीराज उपारीचारा पूरे दिन शिकार के बाद एक पेड़ के नीचे थके हारे विश्राम कर रहे थे। विश्रामरत राजा अपने सुंदर पत्नी की चिंता में विभोर थे। परम सुख के क्षण में निर्गत हुए बीज वो बेवजह नाश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उस बीज को पत्तों की बोरी में डाल के एक तोते से कहा कि वो इसको रानी के पास पहुंचा दे, ताकि उनसे रानी को संतान सुख लाभ हो। पर राजमहल पहुंचने से पहले एक बास के आक्रमण से पत्तों की वो बोरी नदी में गिर जाती है। अब उस नदी में रहने वाली एक मछली उस पत्ते की बोरी को निगल जाती है। पर मजेदार बात तो ये है कि वो कोई साधारण मछली नहीं थी। असल में वो तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी, जिनका नाम था गिरिका। ब्रह्मा के श्राप से मत्स्य बनी हुई इस अप्सरा की मुक्ति तभी संभव थी जब वो किसी मनुष्य संतान की जन्म दे। कुछ दिन बाद मछुआरों के जाल में मिलने वाली ये मत्स्य रूपी अप्सरा दो सुंदर मनुष्य संतानों की जन्म देती है, जिसमें से एक पुत्र और एक कन्या थी। राजा उपारीचारा को संतानों के संवाद मिलने पर वो पुत्र संतान को तो अपना लेते हैं, पर कन्या को छोड़ देते हैं इस मछुआरों के साथ। अरे, मैंने तो अब तक आपको इस कन्या की नाम ही नहीं बताया। मछुआरों के देख रेख में पली बढ़ी इस राज मंदिर का नाम असल में उसी की एक विशेषता से जुड़ी हुई थी, जो थी घ्राण। हाँ, इस मत्स्य कन्या की घ्राण बिल्कुल मत्स्य जैसी ही थी, और इसीलिए इनका नाम था मत्स्यगंधी। खैर, घ्राण जो भी हो, रूप में मत्स्यगंधी की तुलना केवल स्वर्गलोक की अप्सराओं के साथ ही हो सकता था। वक्त बीतता गया। अब मत्स्यगंधी गंगा नदी में सवारियों को अपने छोटे से नाव के सहारे एक तट से दूसरे तट पर पहुंचाने का काम करती थी। अचानक एक दिन महर्षि पराशर नदी पार होने के लिए मत्स्यगंधी के नाव पर सवार हुए। नदी के बीचों बीच एक दीप था। उस दीप के पास आते आते मुनिवर ने मत्स्यगंधी के रूप को निहारा और मोहित हो गए। उन्होंने मत्स्यगंधी को पाने का प्रस्ताव भी किया और पुत्र कामना की इच्छा भी जताई। कुमारी मत्स्यगंधा ऋषिवर की क्षमताओं से वाकिफ थी। उसने संकोच के साथ मुनिवर से पूछा, भगवन, पर ये सब जानने के बाद मुझसे शादी कौन करेगा? ऋषिवर उसको आश्वस्त करते हुए कहे, तुम चिंता ना करो। और वहां देखते ही देखते कोहरे की चादर छा गई।
गंगा के उस छोटे से द्वीप में मत्स्यगंधी एक पुत्र संतान की जन्म देती है। चेहरा काला होने के कारण शिशु का नाम रखा गया कृष्ण। द्वीप में पैदा हुए इसीलिए द्वैपायन। और आगे चल के सारे वेदों को एकत्रित करने का महान काम करने के कारण वेद व्यास। जाते जाते ऋषि पराशर मत्स्यगंधी को एक वरदान भी देते हैं कि आज से मछली की गंध मत्स्यगंधी से और कभी नहीं आएगी। और सिर्फ यही नहीं, एक अनजान अपूर्व सुगंध आज से उसकी शरीर को सुगंधित करेगा। इंसान की पहचान के परे ये नया सुगंध मत्स्यगंधी की नई पहचान भी बनी। कहा जाता था ये महक सत्य की है और अब से मत्स्यगंधी सत्यवती कहलाने लगी। और आगे चल के यही सत्यवती भरतवंशी राजा शांतनु के रानी बनकर हस्तिनापुर पहुंचती है। और कैसे इनकी अधूरी आकांक्षाएं हस्तिनापुर तथा भारतवर्ष की भाग्य रेखा बदल देती है, वो कहानी किसी और एपिसोड में। आई होप यू एंजॉयड टुडे स्टोरी। इफ यस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।